सेवन ग्रेड में पढ़ता हूँ। तो आज हमारे जो टॉपिक है जो मैं सर मोहसिन हाशमी ने दिया है तो वो है फेवरेट एरिया। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं जब व्हेन आई वाज इन सिक्स इयर्स आई स्टार्टेड राइडिंग अ हॉर्स, देन आई वेंट टू चैंपियनशिप्स, आई प्लेड इन दुबई, टेंट पैकिंग, ऐसी सारी चीज़ें मैंने की हॉर्स राइडिंग में। बट व्हेन आई वाज इन टेन इयर्स में, जब मैं 10 साल का हुआ तो फिर जाके मैंने स्टार्ट कर दिया अपना क्या कहते हैं उसके फुटबॉल खेलनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे जो सारे दोस्त थे वो हॉर्स राइडिंग करते नहीं थे और मैं अकेला वो करता था और मैं शौकिया मार भी सकता था क्योंकि वो कोई इंप्रेस होते नहीं थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो इसलिए मैं फुटबॉल खेलना शुरू की, फिर उसके बाद मैं एक क्लब ज्वाइन किया, फिर आई वाज प्लेइंग इन क्लब खेला, फिर मैं क्लब में खेलना शुरू किया, फिर उन क्लब वालों ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ एक मैचेस खेलें, फिर मैंने उनके साथ मैचेस खेले। तो इस तरह मेरा स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो दूसरा इंटरेस्ट मेरा थोड़ा सा रीडिंग में है, जो स्पेयर टाइम में कर लेता हूँ, ये जो इन्जॉय करना था बेसिकली मैं कॉमिक्स ही पढ़ता हूँ ताकि मैं खुश कर लूँ अपने आप को। तो हमारा आई कंसीडर लाइफ एज अ टेस्ट, जो हमें हर वक्त हमारे जो टेस्ट होते रहते हैं। जैसे हम लोग जिंदगी में जो एक चीज करते हैं वो हम दोबारा अच्छा करने के लिए करते हैं। जैसे अभी हम लोग टेस्ट देंगे, अगले दिन जो हमारा वो फिर का टेस्ट होगा तो हमें अगले दिन हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग क्लास वन में होते हैं हम उतनी अच्छा कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम क्लास नाइन टेंथ में आते हैं उससे काफी अच्छा करना शुरू कर देते हैं। हमारी राइटिंग प्रैक्टिस और अच्छी होती है, लिटरेचर को समझ आ रहा होता है कि अच्छा हम क्या करना चाह रहे हैं। तो दीज आर गुड थिंग्स हैं। और मैं अपनी लाइफ इंप्रूव, अपनी लाइफ की बिल्डिंग ऐसे करूंगा कि मैं उन लोगों को रिस्पेक्ट दूंगा और उनके साथ खुशियां बांटूंगा। हम लोग खुशियां बांट के हम लोग अगले बंदों के साथ रह के उनसे कम्युनिकेट करके हम एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस चीज से हम लोग उनसे कम्युनिकेट करके बॉन्ड बना सकते हैं। मेरा इंप्रेशन करंट वर्कशॉप में काफी अच्छा है क्योंकि मैं काफी कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है जो मैंने आज तक अभी तक कुछ सीखा नहीं है, ना मैं आज तक अभी डिबेट्स की ऐसी चीजें नहीं की, लेकिन मैं कर रहा हूँ, करने को मिल रही हैं। सर कासिम ने फाउंडेशन में बारे में काफी अच्छा समझूंगा कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसे प्लॉट्स होने चाहिए जहाँ पे हम लोग काफी कुछ सीखने को मिलेगा और ये चीज अच्छी है। और सर मोहसिन हाशमी के बारे में मैं काफी अच्छा समझूंगा कि उन्होंने जो हमारा पहले दिन में जो बॉन्ड बनाया ना वो बॉन्ड हमारा आखिरी दिन तक रहेगा और वो ये चीज मेरे दिमाग में रहेगी कि सर मोहसिन हाशमी थे जिन्होंने हमारे पहले दिन में हमारा बॉन्ड बना लिया था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अशर खुरम है, मैं एफसी कॉलेज लाहौर में पढ़ता हूँ। मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग की क्लास में पढ़ रहा हूँ जो, और मैं एक इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ अपनी अगली जिंदगी में, ताकि मैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। मैं मेरा जिंदगी के अच्छे मशगलों में से एक मशगला जो चीजों के से अंदर कुछ ना कुछ निकालना है और उनके अंदर की कहते हैं एक्सप्लोर करना, ये मेरा मशगला है और एक मेरी हॉबी भी समझ लीजिए, ये मेरे हॉबी में ही आता है। जिंदगी को मैं एक उस्ताद लेता हूँ क्योंकि वो हमें हर मोमेंट पे कोई ना कोई अच्छी चीज सिखा देती है और हर हमें सीखने का मौका देती है, और इन सीखने की चीजों में हमें इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना आ जाता है और अपनी अकल को इस्तेमाल करना आ जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी उम्र के साथ साथ और अकलमंद बन जाते हैं। और मैं अपने दोस्तों की जिंदगियों को ऐसे बेहतर बना सकता हूँ कि उनको एक तरह का फाइनेंशियली हेल्प करके, दो एक नॉन फाइनेंशियली हेल्प करके कि शेयर करके उनकी प्रॉब्लम्स अपने साथ, उनके मसाइल को हल करना, फिर उनके साथ दूसरी चीज़ें को अपने नॉलेज को शेयर करना, उनके नॉलेज को बढ़ाना, उनकी बातें सुनकर अपना नॉलेज बढ़ा लेना, ये सब में चीज़ें शेयरिंग में आती हैं क्योंकि एज वन सेड शेयरिंग इज केयरिंग। फाउंडेशन के लिहाज से मेरा ओपिनियन ये है कि सर मोहसिन अली हाशमी बहुत अच्छे, उनके एक मेन प्रोडक्ट है क्योंकि वो रूट्स को रिपेयर कर रहे हैं फॉर गुड फ्रूट्स इन फ्यूचर। माय नेम इज मिराहिल माजिद, आई एम इन ग्रेड 9 एंड द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू इज अ स्टोरी दैट इज ऑल अबाउट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट माय हॉबीज एंड माय इंटरेस्ट्स। My favorite area of interest lies in trying new things. I love trying new things so that I get stronger by the minute and I face my fears. I'm really scared of heights, but I would love to try skydiving. Now, you can't just try new things every single day. And so, my normal day hobbies include reading. I love to read any kind of novels.
And I also like talking to my friends because sometimes talking to your best friends can be the craziest thing ever. What I take life as? I take life as a game that I am in to win. Now, I can face the challenges, I can face the obstacles, and I can work harder and get better day by day. I believe that you are stronger than the challenges you face, and that God does not give you a challenge if He thinks you cannot overcome it. How I want to prove life for my fellows. I believe that if you want to prove other people, you have to prove yourself first. If you were an element in human life, what would you be? Life, death, love, or maybe hope? But that's the question. How can you spread hope when you don't have it in your own heart? How can you spread love when you don't love yourself? But I have an advice for all of you. A person very dear to me once told me that every eye can see the cons in life, but you have a special inner eye inside you trained to see the pros. I'm telling you to train that eye inside you to see the light in life. Like Dr. Seuss told us, every day might not be good, but there is something good in every day. This workshop was really helpful to me, as I'm a person who often speaks without thinking and then ends up regretting what I said. And then I also end up hurting people that mean a lot to me. So I learned how to control my emotions in this. And to be honest, my parents had to kind of force me into attending the first workshop because I found that communication skills was a really boring topic and a really simple topic which you can't, like, you already mastered it. But I realized I was wrong because A, I did learn something new. I learned how to control my emotions in all of this. And B, I found out that even the most boring of topics can be the most enjoyable ones if you have a good teacher to train you. All of us are human beings. All of us need a boost of encouragement at one point or another. So please, a big round of applause for our trainer, Sir Mohsin Hashmi, for encouraging the strength and help to teach others as you have taught us. Assalamualaikum. I'm Hafsa, a student of grade 9, and today I'm here to express myself on the given topics. My interest. I'm much interested to learn Urdu as Urdu is our identity. I just want to play my part in its preservation as there are almost 6,500 languages spoken all over the world, but after every 14 days, a language got extinct. Don't you think that Urdu is at the risk of extinction? Yes. Life. I consider life as a challenge, or life is full of challenges, but it's also an opportunity to prove yourself above them. No matter how hard the life is, but it's the only chance to prove yourself and dig out your hidden potential. How can we improve others' life? We can improve others' life by motivating them, by encouraging them. I consider life as a challenge, or life is full of challenges, but it's also an opportunity to prove yourself above them. And no matter how hard the life is, but it's only chance we get to dig out our hidden potential. Yeah, we can improve someone's life by helping them and motivating them. Also, to believe in their abilities, we can explain someone that the biggest difficulty on the planet is the word difficult. So go beyond it. And also, most important, in the case of failure, don't humiliate anyone. Be the crying shoulder and help him or her to heal their past and secure the future. Wow. And now it's time to express my happiness on this workshop, but it is beyond expressions. I can't express my happiness actually. I was eagerly waiting for the session of Sir. I was so happy on the session. Also, I have to express my views about the foundation that it is creating the positive changes in me, and this is actually incredible for my parents too.
थैंक यू सो मच।